मेरे सभी स्टेनोग्राफर फ्रेंड्स इस बात को जानते हैं कि जब भी कोई एग्जाम देके बाहर निकलता है तो सारे बच्चे तीन कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, एक जिनका पेपर बिगड़ गया, एक जिनका पेपर 50-50 गया है मॉडरेट, और एक जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है। लेकिन फिर भी इन तीनों को एक प्रॉब्लम रहती है, वो प्रॉब्लम रहती है कि हमें आवाज़ नहीं आई, वहाँ पर प्रॉपर वर्ड सुनाई नहीं दी है, उन मैडम की या उन सर की आवाज़ सही नहीं थी। ये मेन प्रॉब्लम्स है जो हर एक स्टेनोग्राफर अप्रेंटिस को फेस करनी ही पड़ती है। ये वीडियो उनके लिए बहुत खास होने वाला है जो अब तक जिन्होंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है या अब एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं बताऊंगा कि ऐसा किस वजह से होता है और इसका सलूशन भी साथ लेके आया हूँ। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है राहुल बदानिया और आप सभी देख रहे हैं स्टेनो आरजे। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है वॉइस की, इस पर कई बार बहुत से बच्चों ने कई कई तरीके की अपनी अपनी जो याचिकाएं हैं वो दायर भी की, लेकिन किसी ने इनकी बातों को नहीं सुना। लेकिन मैंने जब इन सारी चीज़ों को एनालिसिस किया, जब मैंने खुद एग्जाम्स दिए और खुद फील किया कि हाँ कुछ तो गड़बड़ रहती है, और भी मेरे जो साथी हैं उनसे पूछा तो उन सबने कहा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ रहती है, पेपर भले अच्छा जाए फिर भी कुछ वर्ड समझ ही नहीं आते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि हम लोग इस तरीके की प्रिपरेशन करके ही नहीं जाते, हम प्रिपरेशन ही गलत वे में करते हैं, एग्जाम जैसा माहौल अंडरस्टैंड ही नहीं करते। तो दोस्तों ये जो चैनल है आपको ऐसी ही डिक्टेशंस प्रोवाइड कराता है जैसी एग्जाम हॉल में दी जाती है, उसी तरीके का माहौल। लेकिन दोस्तों अगर इस डिक्टेशंस को भी आप गलत इंस्ट्रूमेंट के साथ, गलत उपकरणों के साथ या गलत साधनों के साथ प्रयोग में लेते हैं तो भी डिक्टेशंस आपके लिए कोई काम के नहीं है। तो आज मैं बताऊंगा कि किस तरीके का साधन, किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट आपको काम में लेना चाहिए। क्या स्पीकर काम में लेना चाहिए, ईयरफोन काम में लेना चाहिए, या फोन का जो स्पीकर होता है उससे क्लासेस लेनी चाहिए, या जो फेस टू फेस टीचर सामने बैठा है उसकी आवाज़ ठीक है, किसकी आवाज़ ठीक है और किसकी आवाज़ इतनी अच्छी सही लगेगी, कैसी सही रहेगी कि एग्जाम में एक भी वर्ड ना छूटे। दोस्तों मैं आप सभी के लिए सारे स्पीकर्स, ईयरफोन्स, एयरपॉड्स या जो भी ब्लूटूथ डिवाइसेस होते हैं मैं सब इकट्ठे करके लेकर आया हूँ और आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा आपके लिए सबसे बेस्ट है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट डिवाइस हम लेते हैं ये जो हेडफोन्स है। ये जो हेडफोन्स है ये कोई काम के नहीं है। ये इस तरीके के जो जितने भी हेडफोन्स आते हैं ना, ये एक्सपेंसिव हो या चीप हो, ये दोनों किसी काम के नहीं है, क्योंकि इनसे सिर्फ आपको आवाज़ आती है और आपकी जो अंडरस्टैंड करने की क्षमता होती है, आवाज़ को ग्रैप करने की दूर से, वो खत्म हो जाती है। तो जिन लोगों के पास ये हैं प्लीज़ आप इनको यूज़ ना करें स्टेनो की डिक्टेशन के दौरान, खासकर हमारी डिक्टेशन ले रहे हैं तो ना ही करें तो बहुत अच्छा होगा, ये हम पर मेहरबानी है। दूसरा उसके बाद दोस्तों इस तरीके की जो लीड्स आती है ना, ये देखो ये चीप लीड्स हैं, 30-40-50 रुपये 100 रुपये वाली, और ये बहुत एक्सपेंसिव लीड्स हैं जैसे जो एक्सपेंसिव कंपनियाँ बनाती हैं, बट ये भी कोई काम की नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो इनका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि जब एग्ज़ाम लगता है तो इनकी ये ऐसी चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं होती है, इनका कोई सेंस ही नहीं बनता। इसके बाद दोस्तों आजकल ये कुछ इस तरीके के एयरपॉड्स चलने लग गए हैं बहुत ज़्यादा इस तरीके के, देखेंगे आप ये भी कोई काम के नहीं है, ये बिल्कुल काम के नहीं है, क्योंकि ये भी वही काम करते हैं जो कि ईयरफोन या फिर कुछ ब्लूटूथ डिवाइसेस काम करते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो इस तरीके की ईयरफोन्स आते हैं, ठीक है, इस तरीके के जो आते हैं ये भी कोई काम के नहीं है, इनका भी कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि इनका भी वही एक्चुअल जो बात होती है ईयरफोन वगैरह वो सब ये एक ही चीज़ है। लेकिन दोस्तों क्या यूज़ करना है वो मैं बताता हूँ। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं जो मैं बताने वाला हूँ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप कहाँ से कैसे परचेज करें, वो आपका अपना ओन मैटर है, ऑनलाइन परचेज करें ऑफलाइन परचेज करें वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का, बट मैं बता दूँ कि क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी है। देखिए दोस्तों सबसे पहले इस तरीके के जो स्पीकर्स आते हैं ये बहुत चीप मिलते हैं, 200-250-300 रुपये के करीब, इनमें ट्रबल बहुत अच्छा होता है और दूर तक जो आवाज़ आती है जैसे हमारी डिक्टेशन से, इनको बहुत बेटरली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इनकी आवाज़ें बहुत अच्छी होती हैं। अगर आप ऐसा खरीदते हैं तो उसकी आवाज़ अच्छी हो, बस ये ध्यान रखिएगा। दूसरा ऐसे स्पीकर्स भी ले सकते हैं जो ब्रांडेड कंपनीज के आते हैं, ये स्पीकर्स में बेस और ट्रबल दोनों बहुत अच्छा होता है, और स्टेनो की डिक्टेशन ऐसे ही कुछ स्पीकर्स पे बोली जाती है, वो थोड़ा बड़ा होता है बट इनकी जो वॉइस होती है ना बिल्कुल एज इट इज़ वॉइस वहाँ पर बोली जाती है। अगर आप चाहें तो मेरी डिक्टेशन को ऐसे, जिनके पास स्पीकर है जिन जो वीडियोज़ अभी देख रहे हैं वो इसको प्ले करके देख सकते हैं, इस पर हमारी डिक्टेशन को डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिक्टेशन का लिंक दे दिया, आप चाहें जो देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मेल फीमेल जो भी है। और दोस्तों कईयों के पास ऐसे ऐसे डिज़ाइन के स्पीकर हो सकते हैं, तो मैंने जो भी डिज़ाइन आपको बताई ये वाली ये सब, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों के लिए, और इन्हीं पर डिक्टेशन अच्छे से सुनाई देगी। दूसरी बात, ऐसे स्पीकर्स को कभी भी पास में नहीं रखना है, फोन का जो स्पीकर है इससे डिक्टेशन नहीं लेनी है, क्योंकि ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं, वायर से भी कनेक्ट हो जाते हैं,
हो सके तो आपके पास, अगर आपका रूम ठीक ठाक साइज का है, तो लगभग इन स्पीकर्स को आपको 6 से 8 फीट अपने पास से दूर रखना है, ताकि एक आवाज़ का इको प्लस आपके तक आवाज़ पहुंचने की जो आपकी श्रवण शक्ति है, जो आपकी ऑडिबल पावर है, वो बढ़ सके और आप समझ सकें कि प्रॉपर वर्ड क्या का है। इन्हीं तरीकों पर प्रैक्टिस नहीं कर लेने के कारण हमारे साथ ऐसा होता है कि हम एग्जाम की जो वॉइस होती है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में स्पीकर कैसा आता है। आप मेरे पीछे स्क्रीन में देख रहे हैं अभी, यहाँ इस तरीके का स्पीकर आता है यहाँ पर एग्जाम्स, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो ये स्पीकर बड़ा दूर लगा होता है, आपसे हाइट में भी बहुत अंतर होता है इसमें, इस वजह से आपको वहां से प्रॉपर वर्ड समझ में नहीं आते, और बड़ा हॉल होता है। हम सॉफ्टवेयर से एडिट करके डिक्टेशन डालते हैं, तो उन डिक्टेशन में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कुछ ऐसे ही स्पीकर जो आपके पास हैं, नहीं है तो परचेज कीजिए, बहुत चीप मिल जाते हैं, इन पर डिक्टेशन सुनिए, आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। और आपके क्या सुझाव है हमारे चैनल के बारे में मुझे बताएं, और ये एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखें। करने के बाद इस चैनल कमेंट बॉक्स है, वहां पर आके मुझे कमेंट करें और बताएं कि आपका अनुभव कैसा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ।